एक तरफ जहां भारत में कोविड-19 के स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है, तो वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह आशंका जताई है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी बनना एक मिथक है, क्योंकि इसके लिए 80% आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी बनना चाहिए, जो हर्ड इम्यूनिटी के तहत पूरी आबादी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 2019 के अंत में चीनी शहर वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के लक्षण नए मिले कोरोना स्ट्रेन से अलग थे। शुरुआती दौर में कोरोना के जो लक्षण थे उनमें बुखार आना, लगातार खांसी होना और स्वाद के साथ साथ गंध खोने की शिकायत शामिल थे, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण इससे अलग हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि नए स्ट्रेन की उत्पत्ति कोरोना के उपपरिवर्तन मतलब कि म्यूटेशन की वजह से हुई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से मिले 7 अहम लक्षण। नए स्ट्रेन के लक्षण भी पुराने कोरोना वायरस से कुछ अलग पाए गए हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने नए स्ट्रेन के 7 अहम लक्षणों के बारे में बताया है। क्या है लक्षण? शरीर में दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, आंख आना, सिर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेज और पैर की उंगलियों का रंग बदलना, बिगड़ना कोरोना के नए स्ट्रेन के मुख्य लक्षण हैं। कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने भी इसकी पुष्टि की है। शोधकर्ताओं ने विस्तृत आंकड़ों का भी अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने पाया कि कोरोना की प्रकृति में पहला बदलाव सितंबर में ब्रिटेन के केंट में दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस का दूसरा पैटर्न दक्षिण अफ्रीका में मिला था। इसके बाद दुनिया के कई देशों में कोरोना का ये स्ट्रेन मिल चुका है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।